दोस्तों, भारत में कई ऐसे गांव हैं जिनके बारे में अजीबोगरीब कहानियां हैं और लोग इन गांवों को इन्हीं अजीबोगरीब रहस्यों से जानते हैं। ऐसा एक रहस्य हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश शहर जितना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है, उतना ही अपनी परंपराओं के कारण भी प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में इस दूरदराज इलाके में मलाणा गांव है, जिसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां हैं। देश भर में ये एक ही गांव है जहां अकबर की पूजा होती है। यहां कोई कानून नहीं माना जाता, बल्कि गांव ने ही अपने कानून बना रखे हैं। गांव की ही एक संसद है जो सारे फैसले लेती है। इस गांव में किसी बाहरी आदमी के आने की मनाही है, मतलब कोई किसी दूसरे शहर या गांव का शख्स यदि यहां किसी दूसरे आदमी को छूता है, उस पर 1000 का जुर्माना ठोक दिया जाता है, और ये जुर्माना उस बाहरी शख्स से लिया जाता है जो उसे छूता है। कावलियां नांग मेघालय गांव। खासी हिल डिस्ट्रिक्ट का ये गांव मेघालय के शिलोंग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। साल 2014 की गणना के अनुसार यहां 95 परिवार रहते हैं। यहां सुपारी की खेती आजीविका का मुख्य साधन है। यहां लोग घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को बांस से बने डस्टबिन में जमा करते हैं और उसे एक जगह पर इकट्ठा कर खेती के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। पूरे गांव में हर जगह कचरा डालने के लिए ऐसे बांस के डस्टबिन लगे हैं और ये गांव 2003 में सबसे साफ और 2005 में भारत का सबसे साफ गांव बना। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां की सारी सफाई ग्रामवासी स्वयं करते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए वो किसी भी तरह प्रशासन पर आश्रित नहीं है। इस पूरे गांव में जगह जगह बांस के बने डस्टबिन लगे हैं। किसी भी ग्रामवासी को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, जहां भी गंदगी नजर आती है सफाई में लग जाते हैं, फिर चाहे वो सुबह का वक्त हो, दोपहर का हो या शाम का। मलूटी झारखंड। दोस्तों, ये मंदिरों का गांव झारखंड के दुमका जिले में शिकारी पाड़ा के पास बसे एक छोटे से गांव मलूटी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव में आपकी नजर जिधर भी जाएगी, आपको बस प्राचीन मंदिर ही नजर आएंगे। मंदिरों की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में यहाँ मंदिरों की संख्या 108 थी, लेकिन देखरेख और संरक्षण के अभाव में अब यहाँ 72 मंदिर ही शेष रह गए हैं। उपला गांव। पंजाब के जालंधर शहर में एक उपला गांव का नाम है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि गांव के लोगों की पहचान पानी की टंकियों से जानी जाती है। यहाँ के मकानों की छतों पर आम वाटर टैंक नहीं है, बल्कि यहाँ पर शिप, हवाई जहाज, घोड़ा, गुलाब, कार, बस आदि अनेकों आकार की टंकियां हैं। इस गांव के अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए विदेशों में रहते हैं। गांव में खास तौर पर NRIs की कोठियों में छत पर इसी तरह की टंकियां रखी हुई है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा गांव आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में उस गांव का नाम लिखकर जरूर बताएं। और तो हमें बताइए फिर वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।